हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितवारी अपने चैनल एग्जाम तक में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि रेलवे ने अभी अभी नई वैकेंसी निकाली है एनटीपीसी और ग्रुप डी की। इसमें ग्रुप डी की जो वैकेंसी है वो लगभग 1 लाख है और एनटीपीसी की वैकेंसी पहले तो 35,000 निकाली थी, लेकिन अब बढ़ के वो 45,000 समथिंग हो चुकी है। दोस्तों, तो आपको मालूम होगा कि एएलपी एंड टेक्नीशियन की सीबीडीटू का रिजल्ट आने से पहले ही रेलवे ने एनटीपीसी और ग्रुप डी में फिर से बहुत सारी वैकेंसी दे दी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको सिलेक्शन की रणनीति बताने वाला हूँ। यदि आपने मेरे द्वारा बताई हुई रणनीति को फॉलो किया तो मैं आज ही आपको बोल सकता हूँ कि आपका 100% सिलेक्शन होगा। रेलवे ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी किसी ना किसी में आपका सिलेक्शन होगा। यदि आपने अच्छी मेहनत कर ली तो दोनों में ही सिलेक्शन आपका हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम है। यदि आप किसी भी एक की तैयारी कर रहे हो तो ऑटोमेटिक ही आपकी दूसरे की तैयारी होती जाएगी। तो पहली तो ये टेंशन लेना छोड़ दीजिए कि आपने दोनों फॉर्म फिल किए हैं तो किसकी तैयारी की जाए और किसकी नहीं। तो दोस्तों, इसका पहला स्टेप आपको ये करना है कि एनटीपीसी या ग्रुप डी जिसकी भी आप तैयारी करना चाहते हो उसका सिलेबस आप प्रिंट किया हुआ सिलेबस रखें अपने पास। बिल्कुल जैसा मैं बताता जा रहा हूँ वैसा करके देखिए एक बार। दोस्तों, आप जब पेपर दोगे तो आपको अनुमान लग जाएगा कि आपने कितना बड़ा काम किया। उसका सिलेबस प्रिंटेड सिलेबस रखना है आपको अपने पास। और प्रिंटेड सिलेबस रखने के बाद दूसरा जो रणनीति का सबसे मूल इसमें उद्देश्य है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा वो ये है कि प्रतिदिन की रणनीति बनाइए। प्रतिदिन की रणनीति का मतलब ये है कि 100% लोग जितने भी फॉर्म डालेंगे उसमें से केवल 1% लोग ही कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा स्टेप ये है कि आपको एक पतली सी कॉपी लेना है और कॉपी में प्रतिदिन की रणनीति लिखना है कि आपको प्रतिदिन क्या काम करना है, कौन कौन से टॉपिक आपको कंप्लीट करना है कैसे भी करके। दोस्तों, आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं जैसे मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस और साइंस, सभी सब्जेक्ट से डेली एक एक टॉपिक आपको लिखना है उस कॉपी में कि आपको आज के दिन ये टॉपिक कंप्लीट करना ही करना है। एक मैथ्स का टॉपिक डेली, एक रीजनिंग का, एक जीके और जीएस का जो भी आपको लगे करंट अफेयर में, और फोर्थ नंबर का साइंस का। आपको मालूम होगा कि दोस्तों जो पुरानी जीके है, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत ही कम आ रहा है एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में बहुत ही कम मिलेगा आपको। इससे अच्छा आप करंट अफेयर पर ध्यान दें और साइंस पर ध्यान दें। और जो आपके पास सिलेबस है प्रिंट हुआ हुआ, उस सिलेबस में जो भी आपके टॉपिक कंप्लीट होते जाए उस पर क्रॉस का निशान लगाते जाओ और धीमे धीमे फिर दूसरे दिन आपको मैथ्स का दूसरा टॉपिक उठाना है और जैसे ही वो कंप्लीट हो शाम को उस पर क्रॉस लगा दो। दोस्तों, यदि मेरे द्वारा बताई हुई रणनीति पर आपने यदि 2 महीने भी काम कर लिया, पेपर को तो बहुत टाइम है अभी, मैं सिर्फ 2 महीने बोल रहा हूँ, 2 महीने भी काम कर लिया तो 2 महीने बाद आपको खुद में यकीन हो जाएगा कि आप सिलेक्ट हो गए। दोस्तों, आप रेलवे ग्रुप डी का सिलेबस देख सकते हो, यहाँ पर 4 सेशन लिखे हुए हैं। आपका मैथमेटिक्स 25 नंबर का है, साइंस आपका 25 नंबर का है, रीजनिंग आपका जो है वो 30 नंबर की आएगी और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर जो है वो आपकी 20 नंबर की आएगी। इस प्रकार आपके 90 मिनट में आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे। अगर सिलेबस पूरा देखना चाहते हो तो यहाँ देख सकते हो, इसमें जो आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस रहेगा वो ये रहेगा। नंबर सिस्टम, बोर्ड मार्क, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एससीएम, वो सब कुछ सेम है। आपका टाइम एंड वर्क जो अभी तक पढ़ते हो किसी भी एग्जाम के लिए वही है जिसके लिए आप एसएससी की तैयारी करते हो, बैंक की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सारा मैथमेटिक्स वही है। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप रीजनिंग की बात करते हो, सब कुछ रीजनिंग वही है। यदि मैं आपको जितने भी टॉपिक बताऊं, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा जो आपने कभी पढ़ा ना हो। तो मैथ्स और रीजनिंग सब कुछ सेम है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, जो आपकी जो भी साइंस है, तीनों ही साइंस से क्वेश्चन आते हैं, तो साइंस भी सब कुछ सेम है। बस आपको पढ़ना है ये करंट अफेयर है, करंट अफेयर बदलती रहता है तो आपको करंट अफेयर पर अच्छे से फोकस करना है क्योंकि करंट अफेयर के क्वेश्चन ज्यादा आए थे पिछली बार। जो भी आपका आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, 10 से 12 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, तो करंट अफेयर आपको अच्छे से करना है। आप पुराना जीके छोड़ सकते हो, जैसे इतिहास, भूगोल, संविधान हो गया है, इनसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही कम आ रहे हैं। यदि आएंगे भी तो आपसे बन जाएंगे, लेकिन जो करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं वो हर एग्जाम वाले करंट अफेयर के क्वेश्चन को ज्यादा रख रहे हैं, तो आपको करंट अफेयर पर ज्यादा फोकस करना है और अच्छे से तैयारी करना है। दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में बनी हुई बेल पर क्लिक कीजिए। और दोस्तों, जिस प्रकार हमारी एक YouTube चैनल है उसी प्रकार हमारी एक ऑफलाइन कोचिंग भी है। तो यदि आप एक स्टूडेंट हो और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और पास में बनी हुई बेल पर क्लिक कीजिए ताकि हम आपके एग्जाम से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स और वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे।
Thank you.